नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। आज RPSC की साइट पे संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो अपने इसमें देखेंगे कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की सीट्स जो हैं इन्होंने वैकेंट रखी हैं और कब इसकी आवेदन तिथि है, कितना शुल्क है, ये सारी चीज़ें अपने देखेंगे। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है विभिन्न विषयों की और इसके अलावा भी जो विषयों की तैयारी अभी आने वाले समय में करवाई जाएगी, आप ज़रूर चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए 1/6/2020 डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है आज की स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन। ये देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ये आज की तारीख है 1/6/2020, 1 जून 2020। संयुक्त विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा प्राध्यापक विद्यालय संस्कृत शिक्षा EP 1 2020-21। आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के अंतर्गत प्राध्यापक विद्यालय लेक्चरर स्कूल के विभिन्न 9 विषयों में कुल 22 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी अस्थायी तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। तो ये देखिए राजनीति विज्ञान, इसके 7 पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 7। जनरल की 3 पोस्ट हैं जिसमें सामान्य महिला की 1 है। विधवा प्रतिक्ता की कोई पोस्ट नहीं है। SC की 1 पोस्ट है जिसमें सामान्य ही 1 है, सामान्य महिला और ये विधवा और ये अन्य की किसी की भी कोई पोस्ट नहीं रखी गई है। ST की सामान्य 1 पोस्ट है, सामान्य महिला विधवा परित्यक्ता की कोई पोस्ट नहीं है। OBC की 1 है और MBC EWS की कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरह गणित की पूरे राजस्थान में 1 ही पोस्ट है जो जनरल में रखी गई है। इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की 1 पोस्ट है, धर्मशास्त्र की 1 पोस्ट है, ज्योतिष की 6 सीट्स हैं, पोस्ट हैं जिसमें 3 सामान्य को मिली हैं और 1 SC को, 1 ST को, 1 OBC को रखी गई है। इसी तरह यजुर्वेद 3 पोस्ट, सामान्य दर्शन 1, जैन दर्शन 1 और न्याय दर्शन की 1 हैं। ये देखिए इसकी ये सारी जो है नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, शैक्षणिक योग्यता भी लिखी हुई है। पद क्रम संख्या 1 से 3 राजनीति विज्ञान गणित व अर्थशास्त्र के लिए सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री या BEd डिग्री। और वर्किंग नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। और 4 से 9 के लिए जिसमें धर्मशास्त्र, ज्योतिष, यजुर्वेद, सामान्य दर्शन, जैन दर्शन व न्याय दर्शन आते हैं उनके लिए शास्त्रीय और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल ये जो है संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। और वर्किंग नॉलेज जो वही वाली है, हिंदी लिखनी आनी चाहिए और देवनागरी का हमें ज्ञान होना चाहिए। हिंदी लिखनी किस में आनी चाहिए, देवनागरी लिपि में, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। और हमें इसकी हमारी राजस्थानी कल्चर की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हताओं के लिए जो है आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है और जिनको जो आयु में छूट मिलती है वो ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और ये अन्य विवरण है आवेदन की अवधि, आवेदन हम कब कर सकते हैं, 8/6/2020 से 8 जून 2020 को आवेदन शुरू होगा जो 7/7/7 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इसके अलावा हमें कोई हम आवेदन करते हैं और कोई हमसे गलती हो जाती है उसके भी संशोधन के लिए है, ये देखिए अगर आपने कोई संशोधन करना है तो 300 रुपये प्रति देकर ऑनलाइन संशोधन भी आप ये https://rpsc.rajasthan.government.in की साइट पर जाकर आप विभिन्न जो उनके दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार आप संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क देखिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एंड राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रुपये 350 प्रति
जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹250 प्रति रहेगा। और समस्त निशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है के आवेदक हेतु ₹150 रहेगा। इसी तरह से TSP और नॉन TSP जो विभिन्न तहसीलें हैं जिसमें जो जो छूट है वो भी इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ये है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़, हमारा सिलेबस किस तरह से रहेगा ये आप इसमें, ये पूरा का पूरा इन्होंने नंबरों का डिवाइडेशन भी दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है जी, बहुत बहुत आप सभी को क्या कहते हैं शुभकामनाएं, जो जो फॉर्म भरें वो तैयारी भी करें, और आने वाले समय में सुन रहे हैं कि और भी वैकेंसी आएगी, जो हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग है जो सामान्य जो सीटें होती है तो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जो हमारी सामान्य जो स्कूल लेक्चरर्स की जो सीटें होती हैं वो भी निकाली जाएंगी। ये एक और ये जो पॉइंट है EWS वाला, ये भी आप देख लें, जो ये नया आरक्षण मिला है जनरल कैटेगरी वालों को, स्वर्ण जाति वालों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के, ये 7th पॉइंट है, तो ये भी जरूर देखें। को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो जो EWS के अंदर लगाएंगे फॉर्म वो ये जरूर अपना उसी समय बनवा लें। इसकी जो भी विधि रहती है बनाने की आप वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, किसी भी ई मित्रा वाले के पास जाके पता कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी पूरी, 8 जून से स्टार्ट है फॉर्म भरने और 7 जुलाई 2020 तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये देख लीजिए, रात्रि 12 बजे तक। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस इनकी सभी की जो है तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, रीड की फुल सिलेबस की तैयारी जो है वो चैनल पर कराई जा रही है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें। और यहाँ पे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती है, ये नहीं है कि 2 पॉइंट करवा दिए, 2 टॉपिक करवा दिया बाकी छोड़ दिया, नहीं, पूरे टॉपिक वाइज तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। ये ऑफिशियल एजुकेशन चैनल है, तो अपने एजुकेशन की एक और वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।